जैसे आप देखेंगे पहले सतना की हवाई पट्टी कहीं ज्यादा नेताओं की पसंद होती थी, निजी विमान वहां पर ज्यादा उतरते थे, पर एयरपोर्ट जो है वो रीवा का तैयार हो रहा है। गणेश सिंह जी का दिल कचोटता नहीं है? ये क्या हो रहा है मेरे शहर के साथ, मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ? मैं ऐसा खुद ही महसूस नहीं करते कटौती गणेश सिंह जी के वक्त के साथ में रीवा के मुकाबले सतना पिछड़ा रहा? इसमें कहीं कोई किसी का दोष नहीं है। हमारा हवाई अड्डा निश्चित तौर पर 1100 एकड़ का है, लेकिन उसकी जो बाउंड्री बनी थी शुरू में, उसी बाउंड्री जी को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो उसकी लंबाई कम थी और वो 1800 मीटर थी। हमने उसको बहुत बढ़ाना एक कोशिश किया तो लगभग हम 1900 मीटर उसको बढ़ा पाए, और अभी हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं छोटे जहाज उतारने के लिए। अभी हमने भारत सरकार से पैसा लिया है और उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। और सतना का हवाई अड्डा ठीक है, बड़े जहाज तो नहीं उतर सकते इसलिए कि उसकी लंबाई कम है, लेकिन छोटे जहाज उतारने के लिए हम उसको नए तरीके से टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हैं, नए तरीके से हम ऑपरेटिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, नए तरीके से हम उसको रनवे तैयार कर रहे हैं, नए तरीके से बाउंड्री का विस्तार कर रहे हैं। तो वो सब सारे काम सतना में भी हो रहे हैं।